अभी एक बजट आया था उसमें क्या हम पॉलिटेक्निक में और कॉलेज बढ़ाएंगे, सीटें बढ़ाएंगे, क्या कर लोगे बढ़ा के? जब उन्हें बर्बाद ही करना है तो पढ़े रहना तो वैसे ही बर्बाद कर लो। तो सरकार ये जो पूर्णतः विद्यार्थियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, यहां पर यदि सरकार के खिलाफ आपको लड़ना है, खड़ा होना है, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा, जितने भी शिक्षक हैं सबको एकजुट होने पड़ेगा, संचालक है उनको भी एकजुट होने पड़ेगा। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो मैं करता हूं वो मैं ऊर्जा विभाग के जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन से करता हूं, जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी एसोसिएशन है उनसे करता हूं कि आपके हाथ में है आप सब कुछ। यदि आप इस विभाग को बचाना चाहते हैं, आप यहां पर सेवाएं दे रहे हैं, ये आपके जो विभाग है मां के समान हो गया है, इसको बचाना चाहते हैं तो ये आपके पास ये अंतिम मौका होगा, नहीं तो ये विभाग नहीं बचेगा, ये कुछ एक प्राइवेट कंपनी का अड्डा हो जाएगा। इसलिए पिछली बार आप देखें यूपी में प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो यूपी के इंजीनियरिंग एसोसिएशन और कर्मचारी एसोसिएशन ने मिलकर लखनऊ की कानपुर की लाइटें नहीं दे दी, बंद कर दी, नहीं देंगे लाइटें। तो यहां के एसोसिएशन को भी एक दिन जयपुर को अंधेरे में डाल दो, जोधपुर को अंधेरे में डाल दो, सारे जिलों को अंधेरे में डाल दो, एक दिन हम लाइटें नहीं देंगे, हम प्राइवेटीकरण नहीं होने देंगे, इस चीज पर तुल जाओ तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हम बाहर से लड़ेंगे, आप अंदर से लड़ेंगे, आपके पास पावर ज्यादा है, आप एक कनेक्शन काट देते हो तो इनके ये सब भागे भागे आएंगे तुरंत, एक मिनट में। कहता ना योगी, योगी बात नहीं मानता, एक मिनट में मान गया कि नहीं नहीं मैं अब नहीं करूंगा प्राइवेटीकरण, आप बस लाइट दे दो। तो आप भी ऐसा कीजिएगा कुछ जिससे सरकार को चेताए, सरकार जागे, डरिए मत।